फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एस एस टी लेसन फोर लेकर आए हैं। बस हवादार लेके यानी कि दक्षिणी बता देखिए, प्लेटिव्स यानी कि पठार क्या होता है। प्लेटिव इज ए हाई लैंड यानी पठार या हाई लैंड भूमि रिच इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट द उनके पर्वत के प्रकार के पर्वत की तरह होते हैं, लेकिन जो फ्लैट है ऊपर जो होता है समतल होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड, इसे हम टेबल लैंड पठार कहते हैं। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारे उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में। लाइज द बेस्ट साउथर्न प्लेटूज ऑफ इंडिया, भारत का जो दक्षिणी पठार है वो स्थित है। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, ये जो आकार में है वो किस प्रकार से त्रिभुजाकार है, कैसा त्रिभुजाकार है। लेकिन नेक्स्ट, द प्लेटूज इज बॉर्डर्ड बाय द हिली रीजन, यानी जो हिली एरिया है उससे जुड़ा हुआ काल घाट्स, इसे हम क्या कहते हैं, घाट कहते हैं। इन द ईस्ट एंड वेस्ट, यानी जिसे एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। द नर्मदा वैली डिवाइड्स द साउथर्न प्लेटू इनटू टू पार्ट्स, नर्मदा वैली है जो दक्षिणी पठार को दो भागों में विभाजित करती है, एक आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा आपका वेस्टर्न प्लेटू यानी कि वेस्टर्न का पठार। सबसे पहले देखिए सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड द पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटूज यानी दक्षिणी पठार का वह भाग विच इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, जो नर्मदा नदी के दक्षिण छोड़ी उत्तर में स्थित है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। जिसमें दो प्रकार के होंगे, एक आपका मालवा पठार और एक आएगा आपका छोटा नागपुर। सबसे पहले देखिए मालवा का पठार, द मालवा प्लेटू बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द विंध्या विंध्या हिल्स, यानी दोनों के बीच में विंध्याचल और अरावली के बीच में स्थित है। छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार का नाम देखिए तो छोटा नागपुर प्लेटू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि छोटा नागपुर पठार है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोल, कोयला, मैंगनीज, आयरन, माइका एटीसी। अब देखिए आ रही चल रहे डेकन प्लेटू, यानी कि डेकन का पठार। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटू इज द डेकन प्लेटू, यानी दक्षिणी भाग पठार का जो ज़्यादातर भाग है वो आपका डेकन के पठार के अंतर्गत आता है। इट इज लाइड टू द साउथ ऑफ द सतपुड़ा, सतपुड़ा दक्षिण में स्थित है। इट स्लॉप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इसका जो उतार है इधर पश्चिम से पूरब की तरफ। सो मैनी रिवर्स फ्लो ईस्ट वर्ड, बहुत सारी नदियाँ फ्लो की तरफ आती हैं। इट इज बाउंडेड बाय द घिरा हुआ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। देखिए रिवर्सिंग प्लेटू रीजन, यानी कि पठारी क्षेत्रों की द रिवर्स ऑफ द रीजन डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स, इस क्षेत्र की नदियाँ ऊँचे ऊँचे पर्वतों से या ग्लेशियर्स वहाँ से नहीं निकलती। दे आर ऑल्सो स्मॉलर देन द हिमालयन रिवर, जो हिमालय की नदियाँ उन नदियों की अपेक्षा जो पठार की नदियाँ वो कैसी होती हैं, छोटी नदियाँ यानी इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ नहीं हैं। दीज रिवर्स डिपेंड मोस्टली ऑन द रेन्स, ये जो नदियाँ ज़्यादातर किस पर निर्भर करती हैं, बरसात पर निर्भर करती हैं, यानी कि जब बरसात आती है तो उनमें पानी आ जाता है और जब बरसात निकल जाती है तो नदियाँ सूख जाती हैं। द रिवर्स ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र की जो नदियाँ विच राइज इन द वेस्ट जो पश्चिम में आते हैं, फ्लो ईस्ट और किधर बहती हैं, पूर्व की तरफ इंटू द बे ऑफ बंगाल, किसने मिलती है जाकर बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। द कावेरी इज द मैन रिवर ऑफ कर्नाटक, जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक की मुख्य नदी है। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन के पठार की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी नदी है, गोदावरी।
और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। किससे जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से। नर्मदा एंड ताप्ती आर द ओनली टू रिवर्स दैट फ्लो इन गोदा रिवर्स। नर्मदा और ताप्ती का नाम पर भी कोई हमारा सारा किया था। अब देखें इस क्षेत्र में डैम्स यानी कि बांधों का निर्माण किया है, किसके लिए सिंचाई के लिए। डैम्स हैव बीन बिल्ट अपॉन मेनी ऑफ दीज रिवर्स यानी इन नदियों में बहुत सारे क्या बनाए गए, बांध बनाए गए। द स्टोरेज स्टोर्ड वाटर इन यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी एकत्र किया जाता है उससे सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है और बिजली बनाने के लिए उसका काम किया जाता है। लाइफ इन द साउथर्न प्लेन्स यानी दक्षिणी प्रधान में जीवन किस प्रकार का। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा आर कवर्ड बाय द साउथर्न प्लेन्स। यानी आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग उड़ीसा का भी इसमें आता है। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आज का नेम सजेस्ट यानी मध्य प्रदेश जैसे ही नाम में सुझाव होता है। इट इज द सेंट्रल ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्र यानी बीचों बीच में है। इट इज सराउंडेड बाय फाइव स्टेट्स पांच राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, भोपाल है। नेक्स्ट आता है आपका छत्तीसगढ़। इट इज द ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट इस राज्य में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। इट है बीन कार्व आउट ऑफ मध्य प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ राज्य है। इसको क्या किया गया है, मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य अलग बनाया गया। द महानदी दुनिया इस राज्य की नदी कौन सी, महानदी द लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ जिसे जीवन रेखा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। इज द मेजर रिवर द कैपिटल इज सिटी इज रायपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है, रायपुर। अब देखिए छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं जिसमें आपके बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, कोल एंड आयरन। नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। महाराष्ट्र जो स्थित है वो नॉर्थ मीन्स उत्तर, वेस्टर्न मीन्स पश्चिम भाग में स्थित है डेक्कन पठार के। द रिवर्स फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ इस राज्य में जो नदी में गोदावरी जाती है कृष्णा। द क्लाइमेट हियर इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट जलवायु ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी। मुंबई का कैपिटल, मुंबई इसकी राजधानी है। कॉटन टेक्सटाइल इज द मेन इंडस्ट्री और यहाँ का जो मुख्य इंडस्ट्री यानी कारखाने को कौन से हैं, कॉटन इज ग्रोन इन अबंडेंस बहुत अधिक मात्रा में उसको उगाया भी जाता है, कपास उगाई जाती है उससे। इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, शुगर, मेडिसिन एंड मशीन को मराठी, गुजराती एंड हिंदी आर द मेन लैंग्वेज। मराठी, गुजराती और हिंदी आदि मुख्य भाषा है। यहाँ का आपने सुना होगा महाराष्ट्र का एक फेमस फेस्टिवल गणेश मनाया जाता। अब चलते हैं कर्नाटक, कर्नाटक के लिए कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है, बंगलोर। इट इज नोन एज द गार्डन सिटी इसे गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्र आर द मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट। इस राज्य की दो बड़ी मुख्य नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्र है। द पीपल स्पीक कन्नड़ यहाँ के जो मेन लैंग्वेज है कर्नाटक की, कौन सी भाषा बोलते हैं, कन्नड़ भाषा बोलते हैं। द मेन सिटीज यानी बंगलोर के शहर के अलावा यहाँ के जो मुख्य शहर हैं मैसूर, हुबली और धारवाड़। मैंगलोर इज द फेमस सी पोर्ट, मैंगलोर जो है वो प्रसिद्ध सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह। अब चलते हैं तमिलनाडु, द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है, चेन्नई में। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ की जो मुख्य व्यवसाय वो क्या है, फार्मिंग कैसे है। शुगर कैन, राइस एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स। शुगर कैन, राइस और कपास यहाँ के मुख्य फसलें हैं।
काफी एंटी यार दोनों की इतना नीलगिरी हिल्स में नीलगिरी हिल्स में काफी और चाय उगाई जाती है। माइका आयरन और लाइमस्टोन एंड जिप्सम आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या क्या देते हैं माइका हो गया आयरन हो गया लाइमस्टोन और जिप्सम। माय लैंग्वेज इज तमिल तमिलनाडु की मुख्य भाषा है तमिल। भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस फॉर यहाँ का जो शास्त्रीय संगीत है जो भरतनाट्यम और पोंगल है वो आपका मुख्य त्यौहार है। नाउ आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल साउदर्न स्टेट यानी कितने भी दक्षिणी राज्य हों सब में सबसे बड़ा आपका आंध्र प्रदेश है। इट्स कैपिटल इज हैदराबाद इसकी जो राजधानी वो हैदराबाद। देखिए अभी आप हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल रहेगी वो हैदराबाद रहेगी और जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल रहेगी वो अमरावती रहेगी प्रस्तावित है। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन यहाँ का व्यवसाय क्या है फार्मिंग है तो वह को राइस ज्वार एंड रागी आर द मेन क्रॉप्स। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड यानी कि इसमें सबसे अधिक तंबाकू आंध्र प्रदेश में भी उत्पादित की जाती है। द मेन इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट आर सीमेंट सिगरेट टूल्स शिप बिल्डिंग शुगर एडीसी। तेलुगु एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज तेलुगु और उर्दू यहाँ की मुख्य भाषाएं। चार मीनार सालारजंग म्यूजियम गोलकोंडा फोर्ट ईटीसी यहाँ पर मुख्य बिल्डिंग्स हैं। तेलंगाना आठ सेकेंड जून जैसा भी आपने बताया था कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाया। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। द सिटी ऑफ हैदराबाद विल कंटिन्यू टू सर्व एज द जॉइंट कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश एंड स्टेट ऑफ तेलंगाना जो आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी क्या रहेगी हैदराबाद रहेगी। फिलहाल जब काम पूरा हो जाएगा अगर आपके डेवलपमेंट हो जाएगी तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाई हो जाएगी। द मोस्ट ऑफ द ब्यूटिफुल स्टेट इसकी तेलुगु यानी तेलंगाना के लोग ज़्यादातर तेलुगु भाषा बोलते हैं। राइस इनका मैं आप यहाँ की जो मुख्य की फसल है वो आपकी राइस चावल है एंड स्टेबल फूड ऑफ द स्टेट और मुख्य भोजन भी है। अदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आर टोबैको दूसरी और महत्वपूर्ण फसलें हैं टोबैको मैंगो कॉटन एंड शुगर तो ये जैसे आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ओके।